Hey guys, welcome or welcome back to my channel Beauty Club. If you are new to my channel, I am Megha and I try and create home decor on a budget. आज के वीडियो में मैं आपको वेस्ट एम्प्टी बॉटल जो होती है उसको फोर डिफरेंट स्टाइल में डिकोर करके दिखाऊंगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये एम्प्टी बॉटल एंड इस पर मैं वाइट एक्रिलिक कलर करूँगी स्पॉन्ज की हेल्प से. एंड दूसरा कलर करने से पहले मैं इसे ड्राई कर लूँगी. ये अच्छे से ड्राई हो गया है. अब मैं लूँगी रॉयल ब्लू कलर एंड पूरी बॉटल पर मैं अप्लाई कर लूँगी. मुझे जो टेक्सचर चाहिए वो स्पॉन्ज से ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ ना करते हुए स्पॉन्ज का यूज़ कर रही हूँ. एंड अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी. ये अच्छे से ड्राई हो गया है. अब मैं लूँगी यहाँ पर ये वाइट पेंसिल और इससे मैं अपनी पसंद से डिज़ाइन बना लूँगी. मैं बहुत ही बेसिक से पैटर्न रखने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पैटर्न नहीं बनाऊँगी. ये कोई भी ईजीली बना सकता है. जो लोग पेंटिंग अच्छे से फिनिशिंग से नहीं कर पाते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो पहले पेंसिल से ही बनाए डिज़ाइन, उसके बाद ही कलर अप्लाई करें. अगर डायरेक्ट कलर अप्लाई करेंगे और पिघल गया तो उसको ठीक करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, और अगर पेंसिल से कुछ गड़बड़ भी होती है तो आप उसको ईजिली इरेज कर सकते हैं. मैं यहाँ पर फ्री हैंड पैटर्न्स बना रही हूँ. अगर आप चाहें तो स्टेंसिल्स भी आते हैं मार्केट में, वो लेकर भी आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं. मैं एक्चुअली दो कलर को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी, एक ऑरेंज और एक वाइट, कि इसके साथ कलर कॉन्ट्रास्ट कौन सा अच्छा लगेगा. फिर दोनों ही अच्छे लगेंगे, बट मैंने फाइनली ऑरेंज चूज़ किया है. वाइट कलर अगर मैं अप्लाई करती तो वो थोड़ा सा पॉटरी वाला जो लुक होता है, ब्लू पॉटरी आती है वैसा वाला लुक हो जाता है, बट वो मुझे अभी नहीं चाहिए था. तो मैंने सोचा कि पहले मैं ऑरेंज करूं, और मेरे पास ये जो कलर है वो नियॉन शेड में था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं रात में इसको रखूंगी तो लाइट का जब इफ़ेक्ट आएगा इसके ऊपर तो वो अच्छा लगेगा. मैं टोटल दो कोट अप्लाई करने वाली हूं इस फ्लावर पे, और पहला कोट के बाद पहले मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी, उसके बाद ही मैं सेकेंड कोट अप्लाई करूँगी. अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये वाइट एक्रेलिक कलर. मेरा एक्चुअली मन नहीं मान रहा था वाइट को यूज़ किए बिना, तो सोचा कि ये जो डिटेलिंग पार्ट है उसके लिए मैं वाइट यूज़ कर सकती हूँ. मेरे साथ ये हमेशा होता है कि जब भी मैं कोई क्राफ्ट करने के लिए बैठती हूँ तो मैं सोचती कुछ और हूँ और बनाते बनाते तक एंड तक वो कुछ और ही बन जाता है. तो मुझे पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा होता है, मैं चेंजेस बहुत बीच में करती रहती हूँ. मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आपने स्टार्टिंग में डिज़ाइन कुछ और दिखाया लेकिन बाद में आपने चेंज कर लिया. तो वो इसलिए क्योंकि कुछ फिक्स नहीं रहता है, या वो डिज़ाइन भी मैं कहीं से ऐसा लेती नहीं हूँ जो बिल्कुल उसको एकदम कॉपी पेस्ट कर दूँ. मुझे बीच बीच में आइडियाज़ आते रहते हैं और मैं चेंज करती रहती हूँ. बॉटम में जो डिज़ाइन है उसमें भी मैं वाइट कलर ही अप्लाई करूँगी. और इसी तरह बातों ही बातों में मेरी जो ये बॉटल है वो सज के एकदम रेडी है. इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बॉटल की ओर, मीन्स नेक्स्ट DIY की ओर. नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ न्यूट्रेला चॉकलेट का ये जार. ये थोड़ा सा टूट गया था तो मैंने सोचा कि इसका कुछ डेकोर आइटम बनाया जा सकता है. बेस के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले वाइट एक्रिलिक कलर अप्लाई करूँगी. इसे मैंने ड्राई कर लिया है. अब इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी टॉप पे एंड बॉटम पे इस तरीके से मास्किंग टेप. इससे क्या होगा कि जो मैं पेंट करूँगी वो बिल्कुल एक जैसा होगा. मुझे इस जार पे वाटरमेलन का डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो सबसे पहले बीच में मैं लगाऊंगी ये रेड कलर. अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी. और ये ड्राई हो चुका है. अब मैं बहुत धीरे से जो मास्किंग टेप लगाया था उसे निकाल लूँगी. अब मैं दोनों साइड डार्क ग्रीन कलर अप्लाई कर लूँगी. बहुत ही हल्के हाथों से डैब डैब करते हुए आपको कलर अप्लाई करना है. यहाँ पे आप स्पॉन्ज की जगह पर ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं. अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये लाइट ग्रीन कलर एंड इस तरीके से मैं यहाँ पे शेडिंग दूँगी. और अब मैं बनाऊँगी वाटरमेलन के सीड्स. और मेरा सेकेंड DIY भी बनके एकदम रेडी है. फाइनल लुक मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की ओर. अगेन मैं यहाँ पर ये खाली बॉटल ले रही हूँ.
बॉटल पर बेस करने के लिए मैं यहाँ पे तीन कलर का यूज़ कर रही हूँ, ब्लू कलर, एक्वा ब्लू कलर और वाइट कलर। इन तीनों कलर को बहुत अच्छे से मिक्स करके मैं इस तरीके से यहाँ पे ये शेड क्रिएट करते हुए एक बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट करूँगी। बॉटल को अच्छे से कलर करने के बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अब ले रही हूँ मैं यहाँ पर ये पेस्ट, और ये पेस्ट मैंने बनाया है वॉल पुट्टी, वाटर और फेविकॉल से। रेशो जो है वो 2:2:1 का है, और कंसिस्टेंसी आपको इसी तरीके से रखनी है ताकि आप एक कोन में अच्छे से भर सकें। ये जो कोन है ये मैंने ये मिल्क के पैकेट आता है उसी से बनाया है। कोन में पेस्ट अच्छे से भरने के बाद मैं इसे थ्रेड से अच्छे से टाई कर लूँगी और सिक्योर कर लूँगी, एंड कोन भी रेडी हो गया है। बॉटल पूरी तरह से ड्राई हो गई है। अब मैं लूँगी ये कोन, मैंने थोड़ा सा आगे से पॉइंट जो है इसका कट किया है जितने मुझे उसकी थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से, और अब इस तरीके से बस थोड़े थोड़े से ये सर्कल बना बना के मैं यहाँ पे जो है ये डिज़ाइन क्रिएट कर लूँगी। स्मूथ कोन के लिए आपको पेस्ट जो है वो बहुत स्मूथ बनाना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से उसको फेंटना पड़ेगा जिससे लम्ब्स ना बने और कोन जो है बहुत अच्छे से चले। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा कोन जो है वो बहुत स्मूथली चल रहा है। ये जो डिज़ाइन है मैं बस यहीं तक रखूँगी, पूरी बॉटल में मैं चारों तरफ से इसको बना लूँगी, लेकिन जो इसका लेंथ रहेगा वो बस इतना ही रहेगा। इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी, उसके बाद ही मैं इस पर आगे काम करूँगी। मैं यहाँ ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन बना लूँगी। ये जो पेस्ट है ये सूखने के लिए एटलीस्ट 2 घंटे तो लेगा ही, तो 2 घंटे के बाद ही अब मैं इस पर आगे काम करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से डिज़ाइन अच्छे से ड्राई हो गई है, और मैंने पेंसिल से कुछ इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर भी बना लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ईयरबड, और इसकी हेल्प से मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे से इस तरीके से फ्लावर का एक लुक क्रिएट कर रही हूँ। जिनका हाथ पेंटिंग में अच्छा नहीं है वो इस तरीके की ट्रिक्स अपना कर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हैं। आपको और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी जिससे बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न बनाते हैं और बहुत इजी हो जाता है पेंटिंग करना। इस तरीके से पूरे उसमें मैं फ्लावर्स बना लूँगी, और उसके बाद इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। और ये सारे फ्लावर्स कंप्लीट भी हो गए हैं और ड्राई भी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे बीच में इस तरीके से येलो कलर से डॉट रखूँगी जिससे ये पूरा अच्छे से फ्लावर का जो है लुक आ जाता है यहाँ पर। मेरा ये फर्स्ट टाइम है ईयरबड से इस तरीके से पेंटिंग करना, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत इजी है प्लस बहुत अच्छा भी। फ्लावर बनाने के लिए मैंने वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, और यहाँ पे भी अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये वाइट एक्रेलिक कलर ही है। और ब्रश जो मैंने यूज़ कर रही हूँ वो है 000 साइज़ का ब्रश। और इसी तरह मेरा ये वाला DIY भी बनकर एकदम रेडी है, फाइनल लुक आपको एंड में दिखेगा। अगेन मैं यहाँ पर एक ये बॉटल ले रही हूँ, और इस बार इस पर मैं थोड़ा अलग तरीके से काम करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बेस कोट के लिए ये बेबी पिंक कलर जो है अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसके ऊपर ये डार्क पिंक का शेड क्रिएट कर रही हूँ, वही थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए। ये मैंने इसको जब बेबी पिंक अप्लाई किया है तो मैंने इसको ड्राई बिल्कुल नहीं किया है, जब वो गीला था उसी पर ही मैंने यहाँ पर डार्क पिंक किया है जिससे ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और इस तरीके से ये इसका लुक आया है। फ्रंट में जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था यहाँ पे मैं ये वाइट कलर से इसको कवर करूँगी, और अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ये अच्छे से ड्राई हो गई है, अब मैं बनाऊँगी इस पर एक कपल, और ये मैंने प्लास्टिक पे बना कर रखा है, अब बस मुझे कार्बन के हेल्प से इस पर ट्रेस कर लेना है। ये कपल का जो डिज़ाइन है मैंने ऑनलाइन लिया है, आपको और भी ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, और ये डिज़ाइन जो है बहुत अच्छे से ट्रेस हो गया है। प्लास्टिक मैंने इसलिए रखा है जिससे टेबल ख़राब ना हो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फेविकॉल लगाते हुए क्ले को इस पर इस तरीके से रखकर पानी से जो है स्मूथ कर लूँगी, और उसके बाद मैं लूँगी एक निडल और इस पर मैं यहाँ पर बालू का एक लुक क्रिएट करूँगी। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए मैं एक फीमेल का भी यहाँ पर हेड बनाऊँगी, और सेम वैसे ही 3D लुक के लिए मैं यहाँ पर निडल से उसके बालों का लुक क्रिएट करूँगी। आपने मेरा पिछवाई वाला जो वीडियो है वो अगर नहीं देखा है तो आप देखें, उसमें मैंने बताया है कि कोई भी डिज़ाइन आप कैसे प्लास्टिक पे उतार सकते हैं, और उसके बाद आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको ट्रेस कर सकते हैं। सो आपको अगर वो देखना है तो मैं जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना।
जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये पेड़ का जो डिज़ाइन है वो कैसे निकाला है। ये जो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट कर रही हूँ वो सब 3D लुक के लिए कर रही हूँ, जिससे बैक साइड से पीछे का जो बंदे का कॉलर वाला लुक आता है वो दिखना चाहिए। और इस तरीके से मैं यहाँ पर ये जो क्ले टूल है उसकी हेल्प से थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ, जिससे एजेस जो है स्मूथ दिखे। क्ले लगाने के बाद आपको अच्छे से स्मूथ करना है, अदरवाइज़ वो क्रैक आ जाएंगे और फिर बाद में उसका पूरा डिज़ाइन जो है ख़राब हो जाएगा। सो आप वाटर अच्छे से लगाएं और स्मूथ करते जाएं। अब मैं यहाँ पे लड़की के जो पोनी है उसका लुक क्रिएट कर रही हूँ। आप थोड़ा सा जो नीचे स्कर्ट का भी लुक क्रिएट करूँगी। यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ उसका हैंड, और अब ऊपर से मैं इस तरीके से स्लीव्स लगा दूंगी। अभी शायद हो सकता है आपको देखने में इतना समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब कलर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आप एक्चुअल में कैसा लुक इसका मैं क्रिएट कर रही हूँ। अब मैं जो है बाउंड्री बनाऊंगी, उसके लिए मैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये रोल कर लिया है, और अब फेविकॉल से मैं चारों तरफ से ऐसे यहाँ पर लगा दूंगी। इसको लगाने के बाद मैं जो है कटर लूँगी और उससे इस पर डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। वो डिज़ाइन का वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि शायद से वो कैप्चर नहीं हो पाया, बट ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस टाइप से बात कर रही हूँ ऐसी डिज़ाइन की। मैंने इसे पूरे एक दिन के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था। ये जब अच्छे से ड्राई हुआ उसके बाद ही मैं इस पर कलर अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाइट का व्यू, जैसे ऐसा मतलब कपल ऐसे बैठे हैं स्काई की तरफ मुंह करके, और जो व्यू है वो नाइट का है। सो यहाँ पर रॉयल ब्लू कलर अप्लाई करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्लू में ब्लैक कलर मिक्स करके इस तरीके से मैं यहाँ पे शेड क्रिएट कर रही हूँ। ऐसा लगेगा जैसे कि रात का टाइम है और स्काई जैसे थोड़ा डार्क रहता है, उसमें थोड़े से स्टार होते हैं, बस वैसे ही मैं यहाँ पर लुक क्रिएट कर रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी जो है ट्री का लुक क्रिएट करूँगी, और थोड़ी सी घास वगैरह भी मैं ऐसे बनाऊँगी, क्योंकि जो कपल है वो पत्थर पे बैठा है तो ऐसा लगना चाहिए कि साइड से घास भी दिख रही है, और मतलब पूरा ओवरऑल मैं वैसा वाला लुक क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कलर का यूज़ किया हुआ है, और मेरे को जो लुक चाहिए था मुझे वो जब तक मिल नहीं रहा था ना, मैंने इसके साथ बहुत सारे कलर का एक्सपेरिमेंट कर करके फाइनल वो लुक क्रिएट किया है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस टाइप से कुछ भी मतलब पेंटिंग करना या ये शेडिंग देना, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये जो मैं लुक चाह रही थी उसको बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट बन गया। यहाँ पर नेवर गिव अप वाला जो है सीन था कि भैया करना ही है, गिव अप नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पे ये टूथब्रश लिया है और इसको वाइट एक्रेलिक कलर में डिप करके अपने थंब से ऐसे थोड़ा सा यूँ छिड़कते हैं वैसा वाला छिड़क कर इस पर मैंने ये स्टार्स का लुक दिया है। ये सब कंप्लीट होने के बाद मैं अब वाइट कलर जो है सब पे अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ फिनिशिंग लुक देना है वहाँ पे मैं फिनिश करूँगी, और उसके बाद में ये जो कपल है इस पर भी वाइट कलर का एक कोट मैं अप्लाई कर दूँगी। अब जो नीचे थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है मैं वहाँ पे भी ये पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं बनाऊंगी ग्रे कलर, उसके लिए मैं ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा ग्रेइश लुक दूँ बालों में, बट फिर मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे जो बालों का लुक है पूरा टोटल प्योर ब्लैक कलर ही रखूँगी। जो ग्रे कलर मैंने बनाया था उसका मैं यहाँ पे ये पत्थर का लुक क्रिएट करूँगी, जो इस पत्थर पे वो बैठे हैं उसका मैंने ग्रे कलर रखा है। लड़की के टॉप का कलर मैं रेड रख रही हूँ। अब लड़की का जो स्कर्ट है उसका कलर मैं ब्लैक रखूँगी यहाँ पर।
और जो बॉय है उसकी भी पैंट का कलर मैं ब्लैक ही रखूंगी। लड़की की टी शर्ट का कलर मैं यहाँ पे पर्पल रख रही हूँ और सेम वही पर्पल जो लड़की ने अपने बालों में हेयर बैंड लगा के रखा है उसका कलर भी मैं पर्पल ही रखूँगी। और उस जो हेयर बैंड रहेगा उसको मैं थोड़ा सा वाइट कलर से डॉट डॉट बना दूँगी, जिससे पोल्का डॉट होते हैं वैसा वाला लुक क्रिएट होगा। ये लड़की का जो हाथ है उस पर मैं स्किन कलर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये लाइट ग्रीन कलर और मैं इस तरीके से ये जो बॉर्डर मैंने बनाई है इस पर मैं अप्लाई कर दूँगी। अब मैं डार्क ग्रीन कलर के साथ थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स कर रही हूँ जिससे और डार्क वाला ग्रीन कलर क्रिएट हो और उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर पर अप्लाई करूँगी। ये जो मैं कर रही हूँ ये फाइनल टच है, इसके बाद यहाँ पर मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा बॉटल और मैं इसको यहाँ पर ड्राई होने के लिए रख दूँगी। और ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक ब्लैक कलर का ये वुलन और इस तरीके से मैं यहाँ पे इसके ऊपर टाई कर लूँगी जिससे ये ऊपर वाला जो एरिया है वो कवर भी हो जाए और ये जो पिंक के साथ ब्लैक का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा आएगा। और इसी तरह मेरा ये वाला बॉटल भी एकदम बन के रेडी है। अब मैं आपको अपने चारों जो DIY है उनका फाइनल लुक बताती हूँ। और ये रहा मेरी बॉटल का फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने दो टाइप से लुक क्रिएट किए हैं, एक मैंने डे का एक नाइट का। नाइट के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये फेरी लाइट जो है उसको मैंने बॉटल्स में डाल दिया है जिससे ये इतना अच्छा सा लुक आ रहा है। आई होप गाइस यू लाइक दिस आइडिया एंड वीडियो। इफ यस देन हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे कमेंट करके अपने थॉट एंड व्यूज़ भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।